हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कौशल यादव फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम सीखने वाले हैं साइलेडिनोसिस, जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर द यूनिवर्सिटी एज वेल एज फॉर नीट MDS। और यहाँ से MCQs पूछे जाते हैं एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइलेडिनोसिस इज द नेम गिवन टू नॉन नियोप्लास्टिक नॉन इन्फ्लामेटरी एनलार्जमेंट ऑफ द सेलेवरी ग्लैंड। सो इट इज रिलेटेड टू सेलेवरी ग्लैंड, ओके। एंड दिस इज नॉन न्योप्लास्टिक एंड नॉन इन्फ्लेमेटरी। ना तो इसमें इन्फ्लेमेशन होगा और ये न्योप्लाज्म नहीं है, ये कैंसर नहीं है, ये ट्यूमर नहीं है, ओके। सो साइलेडिनोसिस इज द नेम गिवन टू नॉन न्योप्लास्टिक और नॉन इन्फ्लेमेटरी एनलार्जमेंट ऑफ सेलेवरी ग्लैंड। MCQ, पहला MCQ। पर्टिकुलरली द पेरोटिड ग्लैंड, MCQ वंस अगेन। ये पेरोटिड ग्लैंड में टारगेट करता है सबसे पहले। एनलार्जमेंट इज यूजुअली बाइलेटरल, दोनों साइड होगा, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड आएगा। मे मैनिफेस्ट रिकरेंस और पेन और बोथ। यहाँ रिकरेंस भी हो सकता है, पेन भी होता है, और दोनों हो सकता है। कंडीशन इज ऑलमोस्ट एसोसिएशन विद दिस सिस्टमिक डिसऑर्डर। सो दिस इज एसोसिएटेड विद सिस्टमिक डिसऑर्डर, अगेन MCQ। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ क्रॉनिक एंड अ फेब्राइल सेलेवरी ग्लैंड एनलार्जमेंट। हमें पता है कि यहाँ पे सेलेवरी ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो रहा है, भले ही वो पैरोटिड ग्लैंड हो या माइनर सेलेवरी ग्लैंड हो, तो वहाँ पे एनलार्जमेंट हो रहा है। सो एनलार्जमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज स्लोली इवॉल्विंग एंड रिकरेंट। जो एनलार्जमेंट हो रहा है वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है और बार बार रिकरेंस भी हो रहा है इसमें। फोर्थ डिकेड्स और बियॉन्ड, 40 ईयर्स टू और उसके बाद भी, 50, 60, 70 ईयर्स में भी ये पाया जाता है। डिक्रीज्ड सेलेवरी ग्लैंड सिक्रीशन, इसमें क्या हो जाता है कि सेलेवरी ग्लैंड का सिक्रीशन हो जाता है, सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होता इसमें, ओके। ये याद रखेंगे MCQ। इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ पोटेशियम एंड डिक्रीज लेवल ऑफ सोडियम, इसमें पोटेशियम बढ़ जाता है और सोडियम घट जाता है, ये याद रखेंगे, ये भी MCQ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेरोटिड ग्लैंड्स होता है, ये इन्वॉल्व कर रहा है पेरोटिड रीजन को, एनलार्जमेंट हो रहा है, ओके, स्वेलिंग है। यहाँ पे क्या होता है, हाइपरट्रॉफी ऑफ एसिनार सेल्स। जो सेलेवरी ग्लैंड में जो सेल्स होते हैं, एसिनार सेल्स होते हैं, उनका हाइपरट्रॉफी होता है, वो ग्रोथ होने लगता है ज़्यादा साइज में, बड़ा होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो डक्ट्स होते हैं जहाँ से सेलेवरी ग्लैंड निकलते हैं वो उसको कॉम्प्रेस कर देता है, ओके। तो हाइपरट्रॉफी ऑफ एसिनार सेल्स क्राउड्स एंड कॉम्प्रेसेस द फाइनल टर्मिनल डक्ट्स। वो टर्मिनल डक्ट्स को एकदम कॉम्प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से सलाइवा रुक जाता है, सलाइवा आ नहीं पाता। तो जब हम लोग रेडियोग्राफिकली देखेंगे, जब सैलोग्राफिकली हम इसका टेस्ट करते हैं, तो वो लीफलेस ट्री पैटर्न की तरह दिखता है। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ गाइस, लीफलेस ट्री पैटर्न दिखता है सैलेडिनोसिस में, याद रखेंगे, हमेशा पूछता है MCQ। तो आप देख सकते हैं रेडियोग्राफ में, ये एक रेडियो ओपेसिटी आप देख रहे हैं, ब्रांचेस इसके ऐसे, तो ये लीफलेस ट्री पैटर्न दिखता है, ये याद रखेंगे। अगर हिस्टोलॉजिकल फीचर्स की अगर बात करें, तो पेरोटिड स्वेलिंग इज ड्यू टू एसिनार एनलार्जमेंट। ऑफकोर्स सी बात है, जो एसिनार सेल्स होते हैं उनका एनलार्जमेंट होता है, तो जिसकी वजह से स्वेलिंग आ रहा है यहाँ पे, ओके। डायमीटर ऑफ एसिनार सेल्स इंक्रीज बाय 2 to 3 times देन नॉर्मल, नॉर्मल से 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है ये। और जो इसके न्यूक्लियाई होते हैं, टेंड्स टू बी सिचुएटेड बेसली एंड साइटोप्लाज्म टेंड्स टू पैक्ड विद ग्रेन्यूल्स। साइटोप्लाज्म पूरा ग्रेन्यूल से भर जाता है और जो न्यूक्लिया होता है वो बेस पे आ जाते हैं, जैसे सेल्स होते हैं, जैसे स्क्वामस सेल्स हो गया एंड म्यूकस हो गया, सेरस सेल्स हो गया, म्यूकस सेल्स हो गया, जो इसके जो जो सेल्स होते हैं, न्यूक्लिया होते हैं, वो बेस पे रहते हैं, ओके, बेसली आ जाते हैं, और जो पूरे साइटोप्लाज्म है वो पूरे ग्रेन्यूल से भर जाते हैं। इन्फ्लेमेटरी सेल्स आर एबसेंट, यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स नहीं होते हैं, पहले ही मैंने बोला था दिस इज नॉन न्योप्लास्टिक नॉन इन्फ्लेमेटरी। हाँ, फैट सेल्स में भी सीन, फैट सेल्स दिखेंगे इंटरस्टिशियल टिश्यू में। ये देखिए, ये जो सेल्स है आपके, ये जो सेलेवरी ग्लैंड्स
सेल्स होते हैं, ये सेरस या फिर म्यूकस कोई भी हो सकता है, ये एनलार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो डक्ट्स होते हैं वो कॉम्प्रेस्ड हो जाते हैं, सलाइवा नहीं प्रोड्यूस हो पाता, तो वो लीफलेस ट्री अपियरेंस दिखता है। साइंटिस्ट थे बटसाकीज, बटसाकीज ने बोला सजेस्ट दैट लॉन्ग स्टैंडिंग अनकरेक्टेड ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की वजह से हो रहा है ये, विच अकर इन एल्कोहलिज्म और डायबिटिक मेलाइटिस। ये बोला जा रहा है कि एल्कोहलिज्म और डायबिटिक मेलाइटिस में जिनको ये होता है उसमें, ये लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में जब नहीं ठीक कराया तो उनमें हो सकता है ये, उन्होंने सजेस्ट किया है ऐसा। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो डिपेंड्स ऑन करेक्टिंग द अंडरलाइंग कॉज। सबसे पहले अगर ट्रीटमेंट करना है तो पहले कॉज को हटाना पड़ेगा। अगर एल्कोहलिज्म से हो रहा है तो एल्कोहल रोको, अगर किसी चीज़ से वो हो रहा है लाइक डायबिटीज हो रहा है तो डायबिटीज को कंट्रोल करो। तो कॉज को पहले करेक्ट करने से ठीक हो सकता है। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो फिर सब टोटल पेरिडेक्टोमी मे बी कंसिडर्ड एज अ लास्ट रिसोर्ट। अगर जब कुछ सी किसी से ठीक नहीं हो रहा तो हमें मैंडिबुलर सॉरी सब टोटल पेरोटिड को निकालना ही पड़ेगा, टोमी मतलब निकालना, पेरोटिडेक्टोमी, और वो भी हाफ जितना वो कॉस्ट कर रहा है उसको निकालना पड़ता है, तब जाके ठीक होता है। ओके तो आई होप आप समझ गए होंगे गाइज। इफ अगर नहीं समझ में आया कुछ तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।